आइए. सो हैविंग कंप्लीटेड कंपलसरी क्वेश्चन वन, अभी एक बच्चा बोलता है सर आप सीक्वेंस में मत कराइए, वो जीत पकड़ के रखा है, वो रो रहा है. तो मैंने उसको पूछा कि भाई तुमको कौन सा चैप्टर अच्छे से आता है, तो बोला सर एग्जाम में ना मेरे को ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बहुत बढ़िया से आ रहा है, तो मैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से स्टार्ट करूँगा. तो बोला सर आप उससे करिए. मैं बोला ठीक है. तो वो बोलता है क्वेश्चन नंबर फोर से स्टार्ट करो, उसने पेपर पढ़ा होगा राइट. उसके कहने का मतलब है कि वो क्वेश्चन नंबर थ्री में उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, क्योंकि वहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, ही हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड वेल, एंड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट आ गया तो उसमें भी थोड़ा डर रहा है, कॉस्ट शीट को देख के भी थोड़ा डगमगाया हुआ सा फीलिंग आ रहा है उसको. सो एनी वे ही वॉन्ट्स टू डोंट ही डजेंट वॉन्ट्स टू लूज हिज कॉन्फिडेंस, सो ही वॉन्ट टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर फोर. एनी वे वील बी डिस्कसिंग द फुल पेपर, बट लेट अस स्टार्ट विथ फोर जस्ट टू कीप हिज वर्ड्स. ओके तो भैया फोर के बाद बता दो तुमको कौन सा करना है. सर फोर के बाद मेरे को मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छे से आता है तो मैं उसको जाऊंगा, एंड उसके साथ में आपके हैं ओवरहेड का चैप्टर, ठीक है वो मैनेजेबल है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मेरे को आता है तो ठीक है. सो लेट अस गो फॉर 4A. सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4A, ठीक है. ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट विथ 4. आइए. सो एक्स लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट इट्स गुड्स टू अ रीजनल डीलर यूजिंग सिंगल लॉरी. द डीलर प्रेमाइसेज आर 40 किलोमीटर्स अवे बाई रोड. 10 टन का कैपेसिटी है, दिन में दो ट्रिप मारता है, लोडेड खाली आता है. तो लॉरी का केस में खास बात है डीजल कंजम्पशन, मतलब खपत दिया हुआ है, पेट्रोल कितना जलता है, डीजल एक लीटर में 8 किलोमीटर गाड़ी दौड़ेगी, डीजल कॉस्ट दे दिया, इंजन ऑयल दे दिया, ड्राइवर वेजेस, रिपेयर, गराज, कॉस्ट ऑफ लॉरी और लाइफ किलोमीटर में. तो यहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस दिया पर एनम, कॉस्ट ऑफ टायर और टायर का लाइफ भी किलोमीटर में दिया है, ठीक है. सेल वैल्यू ऑफ लॉरी दे दिया तो ये डेप्रिसिएशन निकालने में मदद करेगा. व्हीकल कॉस्ट पर एनम, अदर ओवरहेड कॉस्ट पर एनम, लॉरी 5 दिन काम करता है, ठीक है. अपने को बनाना है स्टेटमेंट टू शो द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द व्हीकल फॉर द 4-week पीरियड एनालाइजिंग रनिंग इनटू फिक्स्ड. मतलब अपने जो पिछले नवंबर में 2018 में जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आया था उसमें अपने सीधा बना दिया था. वी डिड नॉट क्लासीफाई वेरिएबल और फिक्स कौन कौन सा है, बट इस समय हम लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन का मांग है वो, राइट. सो इसका फर्स्ट पार्ट करने के लिए अपने को नोट नंबर वन, पहले तो अपने को किलोमीटर ट्रैवल निकालना पड़ेगा. That is distance one way into two way into number of trips into number of days into number of weeks. So pura kahani hai 40 kilometer ka, jayega aayega, दो ट्रिप मारेगा, 5 दिन और 4 हफ्ता, राइट. फोर्टी इंटू टू 80, 160, 800, 3200 किलोमीटर. नोट टू, टन किलोमीटर. सो जो भी डिस्टेंस है उसको बाई 2 कर देते हैं इनटू लोड कैरिड, दैट कम्स टू 16,000 टन किलोमीटर. ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट. ठीक है, तो अभी अपने को बनाना है
ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर फोर वीकली पीरियड, ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर फोर वीकली पीरियड, पहले मैं सारा फिक्स कॉस्ट लिख लूँगा, आ जाइए। तो फिक्स कॉस्ट में क्या क्या बोला है, राइट? डीजल तो वेरिएबल होगा, इंजन ऑयल क्योंकि ये पर वीक दे दिया तो अपने इसको फिक्स में ही कंसिडर कर सकते हैं। 200 × 4 800, उसके बाद ड्राइवर वेजेस, दस हजार, उसके बाद रिपेयर पर वीक दिया हुआ है 600 × 4 2400, उसके बाद गराज रेंट 800 × 4 दैट इज 3200, राइट? कॉस्ट ऑफ लॉरी का डेप्रिसिएशन बाद में आएगा। इंश्योरेंस 18200 डिवाइड बाई 52 पर एनम है, सो इंटू 4 18200 डिवाइड बाई 52 इंटू 4 1400। कॉस्ट ऑफ टायर का डेप्रिसिएशन वेरिएबल में आएगा, व्हीकल कॉस्ट अदर ओवरहेड कॉस्ट, व्हीकल ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बी में सारा का सारा वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट एक साथ कर लेंगे। सबसे पहले आएगा डीजल, 60 रुपया में 8 किलोमीटर जाएगी गाड़ी, डीजल हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन लॉरी, लॉरी का डेप्रिसिएशन कुछ इस प्रकार होगा, 9.5 लाख माइनस स्क्रैप 1.5 लाख बाई लाइफ है 1,60,000 किलोमीटर इंटू 3200 किलोमीटर। डेप्रिसिएशन ऑन टायर्स आल्सो सेम, $52,500 × 25,000, इसमें कोई स्क्रैप नहीं है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गेट
टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट Now let us do it. 7,800 divided by 52 into 4. 41,600 divided by 52 into 4. 3,200. Sixty divided by 8 into 3,200. 24,000 8 lakh divided by 160 into 3,200 16,000 52,500 divided by 25,000 into 3,200 6,720 So here comes the total. Plus $68,320 is my total operating cost. चार हफ्ते का खर्चा निकालने बोला है फोर वीकली पीरियड फोर फोर पार्ट टू में कॉस्ट पर किलोमीटर पूछा विच इज यूजलेस 68,320 बाई 3,200 और कॉस्ट पर टन किलोमीटर 68,320 बाई 16,000 This is this much per kilometer. This is this much ton kilometer. Twenty-one point three five. 4.27. Is that fine? देखिए थोड़ा पानी भर के ला रहा ठीक है इज दैट फाइन नाउ
आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4B. सवाल में बोला है रिसीप्ट एन इश्यू ऑफ मटेरियल सी एक्स सी इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल. परचेज इशू परचेज रिटर्न इशू परचेज ओपनिंग स्टॉक दे दिया. लास्ट में मिस अप्रोप्रिएट है एबनॉर्मल लॉस. वेटेड एवरेज में बनाने बोला है लीफो में बनाने बोला है और फिर लास्ट में वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. ठीक है तो पार्ट वन में अपने स्टोर लेजर बनाते हैं वेटेड एवरेज के हिसाब से. ठीक है डेट रिसीप्ट इशू बैलेंस क्वांटिटी रेट अमाउंट. राइट फटाफट बनाएंगे हम लोग. फर्स्ट अप्रैल को हमको बैलेंस दिया हुआ है ये सब कुछ भी नहीं है. क्वेश्चन में बोला है 1000, 15000 देन 4 अप्रैल को हमारा परचेज हुआ है 3016.48. वेटेड एवरेज में क्या करते हैं हम लोग हजार 4000 15 और 48 होगा 63. राइट उसके बाद जब इश्यू होगा तभी रेट निकालेंगे उसके पहले निकालने का दरकार नहीं है. फिर 8 को इश्यू हुआ 1000 8 अप्रैल को हजार इशू हुआ है तो रेट निकालिए 63/4000 15.75
तो ये आएगा 15,750। सिंपल, तो लास्ट बैलेंस से इशू माइनस कर दो तो हमारा अभी का बैलेंस आ जाएगा 3,000, 4,000 से 1,000 गया, 63 से 15,750 गया, तो बचेगा 42,000, सॉरी 47,250। ठीक है, अब उसके बाद वापस से 15 अप्रैल को 1500 खरीदा 18 करके, तो 1500 खरीदा 18 करके कितना होगा 27,000। बैलेंस होगा 4,500, अमाउंट होगा 74,250। अब वापस से बोला है इशू है 1200 20 तारीख को 1200 इशू हुआ, बैलेंस फिर से रेट निकालेंगे 74,250 डिवाइडेड बाय 4,500, 16.5, ठीक उसके पहले वाला का जो भी आ रहा है उसको इनटू करना है 19,800, तो बचेगा कितना 3,300। तो ये जो भी आ रहा है इसमें से 74,250 में से ये माइनस कर दो तो फिर 25 तारीख को 300 रिटर्न हुआ है और ये वही माल है जो हमने 15 को खरीदा था, तो 18 करके रिटर्न होगा ना, बिकॉज सप्लायर इनवॉइस तो तुम्हारा एवरेज रेट से कम नहीं होगा, सप्लायर इनवॉइस तो तुम्हारा 18 करके कम होगा, तो रिटर्न का रेट वही दिखाएंगे जो उसका, अगर पता है तो, नहीं तो फिर ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो 5,400, तो बैलेंस आएगा 3,200 और इसमें से 5,400 माइनस कर दो कितना आएगा, बोल दिया ना कि 15 तारीख वाला रिटर्न हुआ, तो 15 तारीख वाला 18 में खरीदा था तो उसी रेट पे इश्यू रिटर्न होगा, राइट, तो ये दिखाएंगे 49050, राइट, फिर से क्वेश्चन में 26 तारीख को इश्यू बोला है, कितना बोला है
1000, अब वापस से रेट निकालेंगे क्योंकि बैलेंस चेंज हो गया है, राइट right? तो कितना आएगा ये 49,050 डिवाइडेड बाय 3200, नहीं नहीं सॉरी माइनस मैंने गलत किया है, 3000, सॉरी सॉरी डिवाइडेड बाय, ठीक है बेटे बच्चे की जान लेओगे क्या, तो 16.35 आएगा, तो आएगा 16,350, तो दिस माइनस दिस बचा अपना 2000 और ये कितना आएगा देख लेते हैं, 32,700, ठीक है अब मैंने वापस खरीदा है 28,400 को, कितना 500 खरीदा है 17 करके 8,500, तो ये होगा सो दिस विल बी 41,200, ठीक है तो ये हमारा आएगा 41,200। अभी क्वेश्चन में देखिए सारा खत्म हो गया है, अब लास्ट में जो मिस अप्रोप्रिएट हो तो लास्ट में एलोकेट होगा, तो 30,419 कितना 50, वापस से रेट निकालिए 41,200 डिवाइडेड बाय 2500, तो 16.48 जो भी आएगा इनटू 50 824, तो 2450 40,000 376 40,376 देख लीजिए, सो दिस इज हाउ वी डू इट अंडर वेटेड एवरेज, ठीक है टाइम कंज्यूमिंग है कुछ कर नहीं सकते, सेम चीज हम लोगों को करना पड़ेगा, स्टोर लेजर लीफो, यू हैव टू बी क्विक नाउ,
डेट रिसीप्ट इशू बैलेंस क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट अमाउंट राइट फिर 4 तारीख को 3016 48 तो 1000 3000 15 16 15 48 इसमें ऐसे ही करते हैं हम लोग। फिर हमारा आठ चार को इशू है 1000 का, तो लास्ट इन मतलब नीचे से जाएगा 1000 16 की भाव में 16000 नीचे से जाएगा ना, तो ऊपर वाला 1000 नीचे का 2000 15 16 15000 और 32000 राइट। फिर 15 4 19 1500 18 तो आएगा 27000 1000 2000 1500 15 16 18 15000 32000 राइट। फिर हमारा 20 4 को वापस से इशू है 1200 का, तो नीचे से जाएगा 18 वाला भाव जाएगा, तो ये आएगा 21600, तो ये 1000 बच गया, ये 2000 बच गया, यहाँ से 300 बच गया, 15 16 18 15000 32000 और 5400 हो गया आप लोग का। इस तरीके से आप लोग एग्जाम में करते होंगे, राइट, दायां बायां देखते होंगे। 25 4 को 300 रिटर्न हुआ है, यही 18 वाला, तो बचा 1000 2000 15 16 15000 32000
फिर 26 को वापस ने आपने 1000 इशू किया है तो 16 वाला जाएगा नीचे वाला, तो 1000 ऊपर का बच गया, नीचे से 1000 बच गया, 15 16 15 16 16 हज़ार। फिफ्टी जो लॉस हुआ है 17 करके 850, तो 1000 1000 450, 15 16 17 15 हज़ार 16 हज़ार। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आएगा 38,650। ये पूरा आएगा नहीं, एक्चुअली थोड़ा तीन तीन लाइन करके यूज ज्यादा हो गया है। अभी इसका पार्ट टू खत्म नहीं हुआ है, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक तो आ गया है, तो बेसिकली वेटेड एवरेज मेथड लीफो, परचेजेस का वैल्यू ऐड कर लीजिए 48 और 27, 48 है 27 है 475 75 और 83 500 83 500 83 500 पे आ गया 98 500 98 500। लेस रिटर्न 5400 5400। एबनॉर्मल लॉस एक में आया था 824, एक में आया था 850। क्लोजिंग स्टॉक 38650 एक में आया था, और दूसरे में आया था 40,376 वेटेड एवरेज में। तो वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा कितना आ रहा है 51,900 बताइए, और 53,600। थोड़ा लेंदी हो गया, 10-1 मिनट ज़्यादा लगा है, तो कुछ कुछ सम करने में आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, राइट? सो यू कैनॉट अवॉइड द सिचुएशन। कुछ सम्स इजी होते हैं, उसमें एक दो ट्रिक्स डाल देगा तो आपको वैसे नहीं करने आएगा,
तो आपको स्ट्रेटेजिकली खेलना है. यू हैव टू बी फास्ट इन दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशंस. आई थिंक मैनी ऑफ यू हैव डन इट बिफोर आई फिनिश्ड बिकॉज आपका स्पीड मेरा स्पीड, मैं तो यहाँ इस पर कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है. फॉर्मेट मेरे को बार बार रीड्राफ्ट करना पड़ रहा है, राइट? सो मैनी ऑफ यू हैव डन इट बिफोर हैंड, दैट्स अ गुड साइन. ठीक है, तो उस वे में डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का ए एंड देन बी, 5 नंबर का है. इसमें 3 पार्ट है, ठीक है? सो स्टार्ट करिए.